हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरिकृष्णा। आज आप लोग को वेल्डिंग टॉर्च का कंज्यूमेबल बारे में बताऊंगा। वेल्डिंग टॉर्च में क्या क्या कंज्यूमेबल लगते हैं। आपको कोई भी जा कंपनी में काम करो, कोई वर्कशॉप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो वेल्डिंग मशीन पे बा वेल्डिंग टॉर्च पे आपका जो कंज्यूमेबल लग रहा है, मतलब आपको जो इलेक्ट्रोड लग रहा है, आपको आपका जो वायर स्पूल लगता है, आपको ट्यूब लगता है, नोजल लगते हैं, एडोप्टर लगते हैं, उसको कौन सा को क्या बोलते हैं आप लोग को पता नहीं है। बोलते ये वाला दे दो, ये वाला दे दो सर, ये वाला दे दो। तो ये चीज़ आप लोग को समझाना चाहिए, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। क्यों ना ये चीज़ जानकारी नहीं है तो आपको वेल्डिंग करके फायदा क्या है बाबा। तो वेल्डिंग करना है तो आपको वेल्डिंग टॉर्च के अंदर क्या क्या चीज़ लगते हैं आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये वीडियो आपका बहुत ही जरूर होता है। क्यों ना आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका कंज्यूमर के बारे में पता नहीं है, ये आपका बहुत शर्म का बात है। मैं आप लोग को ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन होगा, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। क्यों ना ये वीडियो आपके लिए, आपका जरूरत के लिए बना रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। वेल्डिंग मशीन का टॉर्च में क्या क्या कंज्यूमर लगते हैं, क्या का काम होता है, उसका काम क्या है, किस लिए लगता है, उसका कौन सा पोजीशन पे लगते हैं, आप लोग को एक एक समझाऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेल्डिंग मशीन का जो टॉर्च है उसके अंदर क्या क्या कंज्यूमर लगता है तो आप लोग को जानकारी दिलाऊंगा। ये है आपका मिग वेल्डिंग का टॉर्च है, जिसमें बहुत कुछ आपका रहते हैं। आपका देख रहे हैं ये जो टॉर्च का अंदर, इसको बोलते हैं ट्यूब, इसको बोलते हैं एडाप्टर, इसको बोलते हैं नॉजल। ये टॉर्च के अंदर हम लोग को ये सब लगा रहते हैं। हम लोग को इसका काम क्या, ट्यूब गाइड करते हैं, एडाप्टर का काम के आपको ये टिप को पकड़ के रखते हैं, और एडाप्टर क्या करते हैं ये टॉर्च के अंदर, ये जो इसके अंदर एक टर्मिनल होते हैं, ऐसे करके ये लगा रहते हैं, ठीक है ना, ये लगा रहते हैं। इसके बाद एडाप्टर रहते हैं, उसके बाद ये टिप क्या करेगा, इसके ऊपर ये गाइड करेगा, और नॉजल इसके ऊपर होल्डिंग करे। ये है असेंबल, ये है मेन होल्डिंग का टॉर्च, और इसको बोलते हैं ट्यूबल, जिसमें हम होल्डिंग दबाने के बाद होल्डिंग में हम लोग होल्डिंग चालू होते हैं, ऑफ ऑन स्विच इसका है।